लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे महिलाओं की। महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी की समस्या बेहद आम है। आयुर्वेद में इसे श्वेत प्रदर और मेडिकल भाषा में ल्यूकोरिया के नाम से भी जाना जाता है। खराब खान पान, तनाव, योनि की ठीक तरह से सफाई न रखने या यूरिन इन्फेक्शन के कारण वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। ये समस्या आमतौर पर पीरियड्स के पहले या बाद में होती है, लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज की समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो यह योनि या गर्भाशय से जुड़ा किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। इस समस्या के कारण महिलाओं को कमजोरी और थकान महसूस होती है। कई बार तो महिला को पेट और कमर में भी तेज दर्द होने लगता है। अगर वाइट डिस्चार्ज की समस्या संक्रमण के कारण हो तो इससे महिला के प्राइवेट पार्ट में जलन, दर्द और खुजली भी हो सकती है। दरअसल महिलाएं इस समस्या से निजात पाने के लिए दवाइयों का सेवन करती हैं, लेकिन आप कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की मदद से वाइट डिस्चार्ज की समस्या को दूर कर सकती हैं। तो आइए आज हम आपको बता रहे हैं वाइट डिस्चार्ज के इलाज में फायदेमंद आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में। तो सबसे पहले है आंवला। आंवला वाइट डिस्चार्ज की समस्या को दूर करने के लिए आंवला बहुत फायदेमंद माना जाता है। आंवला विटामिन सी और बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और संक्रमण में बचाव में मदद करता है। इसके सेवन के लिए आप 2 चम्मच आंवले का पाउडर लें। इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार खाएं, सुबह, दोपहर और शाम। इसके अलावा आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आंवले का पाउडर डालकर भी पी सकते हैं। इससे आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या से जल्द राहत मिलेगी। दूसरा है ग्लोए। आयुर्वेद में ग्लोए को औषधि गुणों का खजाना कहा जाता है। ग्लोए में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। वाइट डिस्चार्ज की समस्या में ग्लोए का इस्तेमाल भी काफ़ी लाभकारी होता है। इसके लिए आप ग्लोए के तने को पानी में उबाल लें, फिर इसे छान कर ठंडा कर लें। इस पानी से योनि की सफाई करने से वाइट डिस्चार्ज की समस्या भी चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। अशोक। अशोक को आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधि माना गया है। अशोक के पत्ते, लकड़ी और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होती है। महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज, अनियमित पीरियड्स, एंड्रोमेट्रासिस और इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं के इलाज में अशोक की छाल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए लोग अशोक की छाल को 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लें, फिर इसे छान लें और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। आप इस पानी के प्रयोग को प्राइवेट पार्ट को धोने के लिए भी कर सकती हैं। इससे संक्रमण के कारण हो रहे डिस्चार्ज को भी रोकने में मदद मिलेगी। अगला है लोध। आयुर्वेद में लोध को एक शक्तिशाली जड़ी बूटी माना जाता है। ये महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज और विभिन्न प्रकार की हार्मोनल समस्याओं के इलाज के लिए फायदेमंद है। इस जड़ी बूटी में मौजूद एस्ट्रिंजेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण कफ दोष को संतुलित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इस प्रयोग के लिए लोध्र के पेड़ की छाल को पानी में उबालकर चाय के रूप में किया जा सकता है। तो ये था हमारा वाइट डिस्चार्ज के लिए आज का वीडियो, उन महिलाओं के लिए जो श्वेत पदर से पीड़ित हैं और
वो अपने घर पे खुद अपना इलाज कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास या किसी वैद्याचार्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल मेरा लाइक करें और वीडियो मेरा अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में मेरा वीडियो शेयर करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।